काका काका हाँ से दो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग में इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ मम्मी के साथ। अब व्यू देखो कितनी सुंदर व्यू है, पूरी लग रही है ना ये कोई गांव है। नहीं गाइज, ये कोई गांव नहीं है, ये मेरी घर के पास ही है ये जगह। एंड मैं अभी जा रही हूँ काली माता के मंदिर, जिस मंदिर का वीडियो मेरी चैनल में बहुत सारा वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। एंड आप लोग जब देखो सन को एंड कितनी सुंदर लग रही है, तो मैं हम लोगों ने सोच ही नहीं थी कि इतना अच्छी अरेंजमेंट होगी। एंड ये जगह है, मतलब ये जगह मेरी घर के पास ही है, मेरे घर से 15 या 20 मिनट्स की दूरी पर है। एंड अब सन को देखो, हम बंगाली में सन को सूर्य मामा कहते हैं। तो ओके, एनीवे, तो आज है यहाँ पर मंदिर प्रतिष्ठा दिवस, जो हर साल में होती है। तो यहाँ पर आप जो लाल जो पंडाल देख रहे हो, यहाँ पर प्रसाद देती है दोपहर में, मतलब बैठकर प्रसाद देती है। एंड गाइस, आप देखो यहाँ पर इवनिंग का प्रसाद रेडी हो रही है। यह है एक चूल्हा जो मिट्टी के बनाए हुए हैं स्पेशली फॉर मंदिर एंड पूजा के लिए। और ये है कढ़ाई, और पास में और भी एक कढ़ाई है। एंड यहाँ पर भी इवनिंग का भोग हो रही है। एंड वो ये सारी भोग मतलब हमारे एरिया में जितने सारे लोग हैं उसको बांट देंगे सब लोग। तो ये है वो मंदिर, एंड इस मंदिर का आज प्रतिष्ठा दिवस है। यहाँ पर मैं और मम्मी अगरबत्ती मोमबत्ती ये सब ले रहे हैं पूजा के लिए। एंड दिन बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी गई थी उस दिन। एंड यहाँ पर मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, क्या कह रही थी। यहाँ पर अगरबत्ती लेना हो गई, मोमबत्ती भी हम लोगों ने ले ली। एंड हम लोगों ने सोची नहीं थी कि इतनी अच्छी अरेंजमेंट होगी। देखो ऑलरेडी लाइन पड़ चुकी है भोग के लिए, यहाँ पर इतना अच्छी तरीके से डेकोरेट भी हुई है। एंड और एक बात, मैं और मम्मी ये भी सोची नहीं थी कि इतनी अच्छी तरीके से हमारा दर्शन भी होगी एंड अच्छी तरीके से पूजा भी हमारा हो गया। एंड ये गेट पहली बार मैंने खुला पाया है यहाँ पर। एंड ये है हमारा शिव जी एंड पार्वती जी का मंदिर। एंड यहाँ पर गणेश जी भी है। भरपूर भावे महाराज को अति भावे।
यहाँ पर मेरी मम्मी मूर्ति को अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश में थी, क्योंकि ये ग्रिल है ना, तो मूर्ति ठीक तरीके से दिख नहीं रहा था। तो अभी मम्मी ने फ़ोन से, मतलब ग्रिल के अंदर फ़ोन लेकर मूर्ति का व्यू ले ली। एंड यहाँ पर इवनिंग का व्यू इतनी सुंदर थी, ठंडी ठंडी हवा दे रही थी एंड बहुत ही पीसफुल थी, जो मैं हर बार कहती हूँ यहाँ पर आने के बाद मैं बहुत ही पॉजिटिव फील करती हूँ। एंड सामने ही है गंगा एंड ये है मैं और मेरी मम्मी। काका हाँ से दो गाइस, यहाँ पर आप दूर में देखो एक येलो फूल वाली एक ट्री है एंड ये है येलो कृष्णचूड़ा ट्री। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर शाम हो चुकी है, हम लोग दिन थे इस टाइम आए थे और इतना ब्यूटीफुल लग रही है शाम की ये व्यू। एंड और भी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है यहाँ पर, हम लोगों ने हमारा वोट ले ली पापा के लिए, मम्मी के लिए, मेरे लिए, हम लोग घर में जाकर एक साथ खाएंगे, पापा तो यहाँ नहीं आए हैं। एंड ये है वो जगह मैं जो आप ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया है कि यहाँ पर दोपहर में बैठ के भोग देते हैं यहाँ का जो कमेटी वाले लोग हैं बस, और क्या। फिर मैं चली आई थी घर, ये घर के सामने हम लोगों ने देखी है आइसक्रीम की दुकान, पता नहीं क्यों उस दिन मुझे आइसक्रीम की बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो इसलिए मैं मेरे लिए, मम्मी के लिए एंड पापा के लिए, तीनों के लिए एक आइसक्रीम चूज़ कर रही है। बट मैं यहाँ पर कन्फ्यूज हूँ, तो बहुत आइसक्रीम देखने के बाद मैं एक आइसक्रीम ले ली। तो वीडियो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।